भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लोदीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई देसी पिस्तौल, अर्धनिर्मित सामान और हथियार बनाने का उपकरण वृहत मात्रे में पकड़ा है। गौरतलब हो कि आनंद कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक को 19 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तु गांव में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। ये सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस छापेमारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तु गांव में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध अग्नेयास्त्र एवं अग्नेयास्त्र बनाने वाले उपकरण की बरामदगी की गई तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 देशी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित 2 नाली देशी राइफल, 7 पीस देशी कट्टा और अर्धनिर्मित बट बॉडी, अर्धनिर्मित देशी कट्टा का बैरल, 2 पीस बैरल, 8 पीस 2 नाली बंदूक का बैरल, 1 पीस 1 नाली बंदूक का बैरल, 2 पीस खोखा, 3 पीस हथियार के पार्ट्स बनाने में उपयोग होने वाली ट्रिगर नुमा लोहे का टुकड़ा, 15 पीस लोहे का बना बेस, 2 पीस छेनी, 2 पीस हैंड ब्लोवर मशीन, 1 पीस 16 ड्रिल मशीन, 1 पीस हथियार, 1 पीस हेक्सा ब्लेड, 1 पीस रेती, 1 पीस मोबाइल, 2 पीस बरामद किया गया है। ये जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर साथ ही में उन्होंने बताया कि ऐसी सघन छापेमारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और उसमें गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद अंजारू और मोहम्मद सलमान उर्फ सलमी। और इसमें जो सलमान है, इनका आपराधिक इतिहास भी है, इनके ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई लोदीपुर के उस्तु गांव पड़ता है, उसमें हुई है और कल देर रात से दिन के 10-11 बजे तक लगातार ये रेड हुआ है, 7-8 घंटा। और इसमें बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने वाले उपकरण की बरामदगी हुई है। ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष लोदीपुर परमानंद और SHO गोराडी संजय सत्यार्थी और बजरा टीम के प्रभारी सूरज, SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और ASI संजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जगदीशपुर थाना और हमारी बजरा की बी टीम थी, इसमें पूरी लगी हुई थी और उन्होंने मिलकर इस पूरे गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 देसी पिस्टल पूरी तरह से निर्मित और 2 अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई है और 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे बरामद हुए हैं और इसके साथ ही साथ बैरल 8 पीस बरामद हुआ है और 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस हुआ है और 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस बरामद हुआ है और 3 जो है खोखा बरामद हुआ है कारतूस का। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर उपकरण बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ में दिया है, जो आप लोग को अभी समर्पित कर देंगे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ा उद्भेदन किया गया है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो इनका बैकवर्ड लिंकेज है, जो कि इनको सामान सप्लाई करते हैं और जो इनसे सामान खरीदते हैं, जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उनका भी हम लोगों ने पहचान किया है और उनके खिलाफ भी रेड की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।